पेट्रोल 108 नहीं 308 हो जाए, गैस 1000 नहीं 5000 हो जाए, डीजल 100 नहीं 300 रुपया हो जाए, संपत्ति सारी बिक जाए देश की, खाने के तेल 200 के बजाय 500 रुपया हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हम मोदी योगी के साथ हैं, रहेंगे, क्योंकि ये कुछ भी हो जाए कम से कम मियों को तो ठीक कर दे रहे हैं ना ये। हबे नफरती चिंटुओ, तुम क्या ठीक करोगे मियाँ को? 100 मोदी योगी पायजा हो जाए, वो कल भी ठीक थे, आज भी ठीक हैं, कल भी ठीक रहेंगे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? बैंक लोन उनके पास नहीं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता उनको लेना नहीं, किसी सरकारी राशन की योजना में उनका नंबर कहीं नहीं आता, ना वो लाइन लगाए हैं कोई बुरका वाली कोई दाढ़ी वाला। बड़ी नौकरियां फैक्ट्रियों में, फैक्ट्रियां कारखाने उनके पास नहीं है, बैंक लोन उन्हें नहीं चाहिए, तो तुम उन्हें क्या ठीक करोगे? नौकरी पिछली सरकार ने कौन सी दी थी जो मोदी योगी ने छीन लिया, जो अब मिलने से रही? वो तो सुख शांति इस देश की समृद्धि के लिए उसको वोट देते थे जो भाईचारा समानता और बंधुत्व की बात करते थे, उसमें कोई भी आया जो आया वो हिंदू ही थे, उनको अपना नेता मान करके वोट दिया। तुम मियां को क्या ठीक करोगे? तुम्हारी नस्लों का इंतजाम खुद ही कर दिया योगी मोदी ने, सारी संपत्ति देश के बेच के कंगाल कर दिया है, तुम ठीक करो मियां को? मुस्कुरा रहे हैं, कीमा पराठा अभी खा रहे हैं, उनकी बस्ती में चले जाओ, वहाँ अभी नॉनवेज खाने वालों का शौक पूरा होगा रात के 12 बजे, कोतवाल साहब जब तक आके बंद ना करा, मैं बंद नहीं होने वाला। उनकी बस्ती में कोई भूख से नहीं मरता, कोई गरीबी से आत्महत्या नहीं करता, और अपने हिंदू भाई को भी पड़ोसी है तो नहीं करने देते ऐसा वो कि भाई घबराओ मत, हम लोग मिलके तुम्हारा करेंगे, तो हमारा पड़ोसी है भूखा सोएगा तो हमारी रोटी हराम हो जाएगी, अल्लाह ताला हमसे हिसाब लेगा। तुम क्या ठीक करोगे मियाँ को? हाँ मियाँ, तुम्हारे गरियाने से ज़रूर अब सोचने लगा कि भैया पढ़ो लिखो और राजनीतिक चिंतन पैदा करो, यह ज़रूर काम किया मोदी यूपी का, थैंक यू कि उन्होंने मियाँ को एहसास कराया कि तुम मुसलमान। मियाँ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी नस्लों का इंतजाम कर दिया उन सबों ने, बढ़िया तरीके से ठीक हो लिए, समझे? मियाँ को कोई ठीक करने पर माई का लाल पैदा ना हुआ, वो ठीक थे। हाँ अलबत्ता अब APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद और कर्नल निजामुद्दीन जैसे लोग शायद पैदा हों।